का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गरीबी ने ले जा सकी पति की लाश। 10 दिन पहले स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 से लगी मेन लाइन पर मालगाड़ी से कटकर कार के गले में सामने आ गया। आने वाला युवक की पहचान हो गई है। मृतक का नाम गुर्गा भाटा पारा बालकुम गिरिमराम धुर्वे 35 वर्ष का बताया जा रहा है। 10 दिन के बाद वह अपने पति की लाश देखने वाली पत्नी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह वो दूसरी बार उसका अंतिम संस्कार कर सके। ऐसे में भारी मन से नागपुर में ही अपनी पति का अंतिम दर्शन करने के लिए रवाना हो गई। यह हृदय विदायक घटना बताई जा रही है। यह रविवार की सुबह की है। बताया गया है कि बालमुकुंद मिस्त्री थे, वह पुणे में काम करते थे। होली का त्योहार मनाने पर वह आजादी एक्सप्रेस में 29 मार्च को पुणे से गांव जा रहे थे। इस दौरान पिंकी और उनके बच्चे भी साथ भी मौजूद थे। नागपुर स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर वह पानी लेने के लिए पहुंचे, लेकिन वह वापस नहीं लौट पाए। पिंकी को लगा कि शायद पीछे की बोगी में वह बैठे होंगे, लेकिन भाटापारा तक पहुंचने पर भी बालमुकुंद नहीं लौटे। होली बीतने के बाद भी नहीं लौटे। होली बीतने के बाद लौटे नहीं तो पूरा परिवार परेशान हो गया। तलाश के दौरान ही छोटे भाई के मोबाइल पर बालमुकुंद की फोटो व्हाट्सएप पर मिली और इस दुर्दैव घटना का पता चला। मामले की जांच कर रहे जीआरपी के कर्मी बाबा शेख ने अंतिम संस्कार कर दिया था। पहचान के लिए प्रयास जारी रखे और सोशल मीडिया के जरिए व्हाट्सएप पर वायरल तस्वीर से पता चला। 20 मार्च को दोपहर 1:50 को बालमुकुंद की स्टेशन से गुजर रही मालगाड़ी की चपेट में आने से उसकी जगह पर ही मौत हो गई थी। 2 दिन तक मृतक की पहचान न हो पाने से बालमुकुंद का फोटो वायरल कर दिया था। इस यह वायरल फोटो भाई तक भी पहुंचा तो हंगामा मच गया था। वह तुरंत बालमुकुंद की पत्नी और उनके बच्चों को लेकर नागपुर रवाना हुए, जहां उन्हें शमशान घाट में ले जाकर उनका दर्शन कराया गया। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।